बरोग रेलवे स्टेशन। दिसंबर की सर्दियों की ऐसी एक सुबह थी 2 साल पहले जब मैं इसी स्टेशन पर उतरा था। मोहिनी भी मेरे साथ थी। दरअसल मेरे दोस्त आनंद ने मुझे एक केस के लिए यहां बुलाया था। उसका बेटा सूरज हमें रिसीव करने के लिए यहां स्टेशन पर मौजूद था। आनंद यहां से कोई 20-22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है कसौली, वहां रहता था। उसी ने मुझे एक केस के सिलसिले में बुलाया था। आज मैं आनंद के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए आया। अंतिम संस्कार शाम को। दिन भर मैं देखना चाहता हूं कि कसौली वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था, जो हमें बेहद पसंद आया था। कसौली केस सॉल्व होने के बाद मैं और मोहिनी करीब 1 हफ्ते यहाँ रहे। इस सड़क पर हम सुबह शाम वॉक लिया करते थे। ये सड़क कसौली मार्केट की तरफ जाती है। शहरों की तंग गलियों, भीड़ भरी सड़कों, शोर शराबे और गंदगी से बिल्कुल अलग। पिछले 2 सालों में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। कसौली बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हाँ, ये रास्ता आंचल होटल की तरफ जाता है। चल, ठीक वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था। यह होटल जो केस में उस वक्त कर रहा था उसका एक अहम हिस्सा था। इस होटल के तीसरे माले पे मेरी एक दोस्त रहा करती थी, सल्लो। बहुत प्यारा सा एक गाना गुनगुनाती थी। डैडी का घर है, मम्मी को डर है, दीदी स्कूल से लौटेगी कि नहीं, गाड़ी तो आएगी, डब्बे तो हिलेंगे, सल्लो गिर जाएगी, घर में आएगी, मम्मी गुम, दीदी चुप, डैडी लाल, हरी झंडी। मेरी सल्लू को क्या हुआ बेटा? तू
चीखी क्यों? बोल बेटा, किसी ने तुझे छुआ? शैपू, सुंदर! क्या? क्या किया उसने? हम खोर कहीं के? शैपू, सुंदर! जी, क्या हुआ मालिक? कहाँ मर गए थे तुम दोनों? जी मैं नीचे साफ सफाई कर रहा था। बच्ची को अकेला छोड़कर जाने को किसने कहा था तुझे? और तू क्या कर रहा था? बेबी के लिए पानी उबाल रहा था। 50 बार कहा है कि बच्ची को अकेला मत छोड़ो। उसके पास एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। गलती हो गई मालिक। तुम्हें बच्ची की चीख सुनाई नहीं थी? दोनों से तो कोई नहीं था। कौन था बेटा वो? बता बेटा बच्चा। बोल कहां से आया था वो? रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार श्रीमती नैना स्वर प्रकाश है जी, मैं ही हूँ जी। आपके नाम रजिस्टर्ड लेटर है। रजिस्टर्ड लेटर जी, यहाँ साइन कर दीजिए।
किसने भेजा होगा? जी, आपने बुलाया मुझे? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये कागजात रद्दी हो गए हैं, इन्हें जला रहा हूं। आओ। पापा, ये कागजात कौन से हैं? बंगला, जमीन की रजिस्ट्री और बाकी सारी प्रॉपर्टी के। बैठो। कमाल है, प्रॉपर्टी के कागजात को आप रद्दी कह रहे और जला डाला आपने उन्हें? पापा, आपने ये क्या किया है? ये नए कागजात मैंने बनवा दिए। नए कागजात? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम कर दी है। लेकिन क्यों पापा? अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये आपको अचानक क्या सूझी? कॉन्स्टेबल क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं, वक्त रहते सारी जिम्मेवारियां निभा देनी चाहिए। पापा, आपने सब कुछ नैना के नाम कर दिया? क्यों, तुम्हें कुछ इतराज हो? मुझे है इतराज। यानी अपनी मर्जी से कोई फैसला करने का मुझे हक नहीं? मुझे और माँ को बताए बगैर आपने इतना बड़ा फैसला तो अपनी मर्जी से कर ही लिया है ना पापा? सूरज, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे या तुम्हारी माँ के मशवरे की जरूरत है मुझे किसी भी फैसले के लिए। एक ही दिन में इतनी बड़ी बेइज्जती, पिछले 30 साल में आपने कभी नहीं की। इसमें बेइज्जती का सवाल नहीं उठता। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो। बेटे और बीवी को छोड़कर सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम पर करने की वजह? नैना, हम सबसे अलग नहीं है, उसके नाम प्रॉपर्टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मैं किसी के मोहताज नहीं बनना चाहती। ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पापा, इसकी जरूरत क्या थी? बेटा, तुम समझदार हो, जिम्मेवार हो, तुम्हारे हाथ में प्रॉपर्टी सुरक्षित है। यानी इस घर में अब मैं ना समझदार है? नहीं पापा, प्लीज ये जिम्मेदारी मुझे मत दीजिए। माँ और सूरज है ना? तुम आओ मेरे साथ बेटा। तेरे पापा ने ठीक नहीं किया बेटे। उन्हें मुझसे ज्यादा नैना पर भरोसा है। अपने ही घर में इतनी बड़ी बेइज्जती, मैंने सोचा तक नहीं था। इस घर की मालकिन अब नैना होगी। 2 दिन हुए आए और घर की मालकिन बन बैठी। बेटा सूरज, तू अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है कि अपनी बीवी से? मैं तो आप दोनों को ही चाहता हूँ। बीवी के सामने अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता? नहीं माँ। तो बेटे, अपनी माँ की खोई हुई इज्जत वापस लाने का कोई रास्ता सोच, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नैना कहाँ है पापा? तुम्हारा छोरा उससे? नहीं तो। तुमने कुछ कहा उसको? कुछ कहने लायक छोड़ा है आपने मुझे। नैना बहुत डिस्टर्ब है, इससे डिस्टर्ब उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। उससे ज्यादा सवाल मत करना, वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। चिट्ठी किसकी है? किसी की नहीं। डैडी का घर है, मम्मी को डर है, दीदी स्कूल से लौटेगी कि नहीं, गाड़ी तो आएगी, चप्पे तो हिलेंगे, सब गिर जाएगी, घर में आएगी, मम्मी गुम, दीदी चुप, डैडी लाल, हरी झंडी। तुमने डैडी को बता दिया तुम जा रही हो? नहीं, वो सुबह से बाहर गए हुए हैं। उनके लौटने का इंतजार नहीं कर सकती? तुम बता देना ना पापा को। कितने दिनों में लौटोगी? 4-5 दिन में लौट आऊंगी। जाने से पहले एक बात बता सकती हो? तुम कल से इतनी डिस्टर्ब क्यों? I'm all right, सूरज। कुछ पर्सनल है, नहीं बताना चाहती? प्लीज सूरज, इस वक्त मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। हाँ, वैसे भी अब तुम्हें जरूरत ही क्या है मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने की? सूरज प्लीज, इस तरह टॉन्ट कसने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने भी मुझसे सुबह बात नहीं की, और अगर पापा ने मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उस बारे में नहीं, मैं तुम्हारे बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ सूरज, तुम्हें और माँ को बहुत बुरा लगा है। तुमने बताया नहीं कल रात तुम किसकी चिट्ठी पढ़ रही थी? सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। नैना, कभी कभी तुम्हें समझना सचमुच बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं चलती हूँ। कैसे जाओगे? बस से। मैं छोड़ दूँ? नो थैंक्स। वैसे तुम्हारा इस तरह अपने डैडी के घर जाना मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम हो रहा है सूरज, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। आप है ना? तू कब आई? मैं अभी थोड़ी देर पहले आई। और इस तरह अचानक बगैर खबर किए? डैडी शाम को लौट जाऊंगी। पर तू अचानक आई क्यों? मुश्किल से 2 महीने तेरी शादी को हुए हैं, इस तरह मायके चले आना ठीक नहीं। वो सूरज के पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। आनंद साहब ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है? हाँ पापा, और इसी बात से माँ और सूरज दोनों मुझसे नाराज हैं, और माँ का बर्ताव मेरे प्रति एकदम बदल गया है। घर पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर इस अलमारी में क्या ढूंढ रही? वो सलो का स्कार्फ। स्कार्फ इस अलमारी में? सलो तो स्कार्फ पहने हुए। ये अलमारी तेरी माँ की है, इसे आज तक किसी ने नहीं छुआ, और शादी से पहले तूने भी इसे कभी नहीं खोला।
खबरदार, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस अलमारी को हाथ लगाया था। देखता जा, मुझे डर लग रहा है। तो अपनी आंखें बंद कर ले। ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तू इसे नहीं जानता कि जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के अंदर है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तो तुम कब से यहाँ हो? जब इसके सिर पर पूरे बाल थे, तब से। कहाँ गया? पता नहीं, लेकिन लौट के जरूर आएगा। और जैसे ही आवाज होना, चुपचाप से छुप जाना। तुझे देख लिया ना, तो तू कल की सुबह नहीं देख पाएगा। मैं जाता हूँ। चुप, आवाज हो रही है। जा, चुप जा। अरे तुझे सब कुछ आज ही बता दूंगा क्या? तुम्हें सब पता है? हाँ, थोड़े दिनों बाद तुझे भी सब पता चल जाएगा। सुन, बेबी को अंदर लेटा दिया ना? हाँ, पर कल से तुम ही लेटाना उसे। क्यों? वो लड़की है ना, मुझे कुछ होता है। अरे दिमाग से बच्ची है, लेकिन शरीर से जवान है। पूरे 24 साल की है। सुन, जा जाके सो जा। तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? अरे उसे ज्यादा सवाल मत पूछा करो। जा।
अरे वर्मा जी आप नमस्कार नमस्कार आज सुबह सुबह हाँ जरा मिलने चला आया था अच्छा अच्छा आनंद साहब कहाँ हाँ हाँ आइए वहाँ लॉन पर हैं आए आज थोड़ी ठंड कर दी आपने आइए जरा संभल के हाँ जी चिंता ना करिए आप देखिए जी कौन आया है हेलो मिस्टर वर्मा हाउ आर यू व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं आप अकेले जी सल्लो की तबीयत जरा ठीक नहीं थी तो उसे घर ही छोड़ा आई सी फिर हमारी सुबह सुबह कैसे याद हुआ वो हुआ यूँ भाई साहब कि कल मैं नैना को डांट बैठा बाद में मुझे बुरा लगा तो उससे मिलने चला है अरे आप नैना से मिलने यहाँ आए हैं जी हाँ पर वो तो कल सुबह से आपके यहाँ गई हुई है जी हाँ वो कल गई जरूर थी मेरे यहाँ पर वो कल शाम ही लौट आई ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब नैना तो यहाँ नहीं लौटी है ये कैसे हो सकता है हेलो डैडी जीते रहो बेटा बैठो सूरज से तो नैना ये कह के गई थी कि वो चार पांच दिन के बाद वापस आ जाएगी तो फिर वो कल शाम कैसे लौट आई जी आप क्या कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बात है पापा क्या हुआ नैना को वर्मा जी कह रहे हैं कि नैना कल शाम यहाँ लौट आई है यहाँ लौट आई है हाँ मैंने उसे खुद बस में बिठाया मैंने उसे कहा भी कि बेटा मैं खुद छोड़ आता हूँ तुम्हें तो बोली नहीं पापा आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है सूरज मुझे बस अड्डे से आकर ले जाएगा तुम्हें मालूम था कि वो कल शाम यहाँ लौटने वाली है तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो चार पांच दिन के बाद लौटेगी बिलीव मी पापा मैंने झूठ नहीं बोला उसने मुझसे यही कहा था तो फिर उसने वर्मा साहब से ये क्यों कहा कि तुम उसको बस स्टॉप पे रिसीव कर लोगे मुझे क्या पता पापा तुम नैना के पति हो वो कब कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है तुम्हें पता होना चाहिए भाई साहब हो सकता है कि नैना ने आपसे झूठ बोला हो नैना मुझसे झूठ क्यों बोलेगी मैंने उसे खुद बस पे बिठाया है हो सकता है वो कहीं और चली गई हो तुम्हें मालूम था वो कहीं और जाने वाली है नहीं तो फिर वो अकेली कहाँ जा सकती है और कल देर रात तक तुम कहाँ थे मैं तो अपने दोस्त के घर गया हुआ था आनंद साहब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बेटी कल शाम यहाँ आई है वो और कहीं जा ही नहीं सकती अब सच सच बताएं मेरी बेटी कहाँ है देखिए वर्मा साहब इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है जैसे नैना आपकी बच्ची है वैसे हमारी बच्ची भी है अगर वो यहाँ आई होती तो हम आपसे झूठ क्यों बोलते भाई साहब आपने खुद उसे बस में चढ़ाया था उसके बाद वो कहाँ गई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कैसे नहीं आपकी जिम्मेदारी मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए आप लोग जरूर कुछ साजिश कर रहे हैं मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा अरे अरे वर्मा साहब इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी जिम्मेदारी है हमें पुलिस में जाने से पहले उसकी खुद तलाश करनी चाहिए आइए आइए मेरे साथ आनंद और बाकी सब लोगों ने नैना को तलाशने की बेहद कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे मिस्टर वर्मा ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ नैना के ना मिलने की वजह से आनंद चूंकि बेहद सेंसिटिव आदमी था इसलिए परेशान हो गया
इस तरह खोई हुई नैना का केस सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ 2 साल पहले कसौली पहुंचा।